अस्सलाम वालेकुम। तो इन्फिनिक्स और टेक्नो वालों ने अनवील कर दिए अपने दो नए गरम गरम चिंगारियां। अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो इन्फिनिक्स हार्ट 40 और टेक्नो स्पार्क 20, ये दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा करीब करीब की प्राइस में आते हैं। इन्फिनिक्स हार्ट 40 की जो प्राइस है वो 41,256 GB वाले वेरियंट की, और टेक्नो स्पार्क 20 की जो प्राइस है वो है 37,008 GB रैम 256 GB वाले वेरियंट की। यानी जो स्पेक्स और प्राइस है वो काफी करीब करीब है, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो कंपेरिजन है वो बनता है। कंपेरिजन का आगाज करते हैं डिजाइन एंड लुक्स, और यहाँ पर जो लुक है दोनों स्मार्टफोन का काफी ज्यादा आइडेंटिकल है। इन्फिनिक्स हार्ट 40 के रियर साइड पर स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया है, ट्रिपल कैमरा सेटअप, बिल्टिन फ्लैशलाइट दिया गया, और कैमरा मॉड्यूल के आसपास आपको गोल्डन रिंग दिया गया है, और जो बैक साइड है वो मैट डिजाइनिंग के साथ आता है। मजेदार वायर इस पे नहीं पड़ेंगे जो की एक प्लस पॉइंट है, और जो बैक साइड है वो प्लास्टर का दिया गया, और ये जो बैक साइड है चार कलर में अनवील हो चुका है। ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, और ब्लू कलर में अनवील किया गया, और बॉटम साइड पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्स ही फ्लैट फ्रेम के साथ आते हैं, प्लास्टर का फ्रेम दिया गया 8.3 mm के, और 196 ग्राम स्मार्टफोन का वेट दिया गया है, और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टेक्नो स्पार्क 20 की, तो स्मार्टफोन का डिजाइन भी ज्यादा डिफर नहीं है। रियर साइड पर स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है, डुअल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैशलाइट दिया गया, और जो बैक साइड है वो मैट डिजाइनिंग के साथ आता है, और ये जो बैक साइड ये भी प्लास्टर का ही दिया गया, बट इसमें काफी खूबसूरत किस्म के कलर जो है वो अनवील हो चुके हैं। एक ब्लैक कलर, एक व्हाइट कलर, एक गोल्डन कलर है, और एक मैजिक स्किन 2.0 वाला एडिशन दिया है, और ये मैजिक स्किन एडिशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी खूबसूरत है। बॉटम साइड पर टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग दी गई है, और ये स्मार्टफोन भी एक बॉक्स फ्लैट फ्रेम के साथ है, प्लास्टर का फ्रेम दिया गया है 8.5 mm के, और ये स्मार्टफोन IP53 की रेटिंग के साथ है, जो कि स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूँ तो टेक्नो स्पार्क 20 जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 4,000 रुपए सस्ता भी है, और ये स्मार्टफोन IP53 की रेटिंग के साथ है, और इसमें जो मैजिक स्किन एडिशन है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, और ये बहुत महंगे महंगे स्मार्ट में आता है, बट टेक्नो वालों ने काफी सस्ते प्राइस में ये जो फीचर है ये दिया है, तो इस बात पर मैं इसको अप्रिशिएट जरूर करूंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टेक्नो स्पार्क 20 की तरफ आपको जाना चाहिए। डिस्प्ले की बात हूँ तो दोनों स्मार्ट में IPS डिस्प्ले दिया गया है। इन्फिनिक्स हार्ट 40 में दिया गया 6.74 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले, जो कि 90Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सेंटर 5 वोल्ट कैमरा दिया, और 500 nits की पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिल जाती है। काफी बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इन्फिनिक्स ने अभी तक जो चीन और बेजल है उसको कंट्रोल नहीं किया, तो ये चीज काबिल तशवीश है। जबकि अगर बात करूँ टेक्नो स्पार्क 20 की, तो इस मामले में दिया गया 6.56 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले, जो कि 90Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ है, और सेंटर 5 वोल्ट कैमरा दिया गया, और ये स्मार्टफोन साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। यहाँ पर जो डिस्प्ले क्लियरली यहाँ पर बड़ा डिफरेंस ही है कि दोनों स्मार्ट का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डिफर है। इन्फिनिक्स हार्ट 40 का रेजोल्यूशन ज्यादा है, और ऑफ कोर्स वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर कलर्स देगा, ज्यादा बेहतर डिटेल देगा। बाकी साइज में भी इन्फिनिक्स हार्ट 40 ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 इंच का फर्क है दोनों स्मार्टफोन के साइज में, तो डेफिनेटली यहाँ पर 4,000 रुपये का डिफरेंस भी है, बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इन्फिनिक्स हार्ट 40 का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। इन्फिनिक्स हार्ट 40 में दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर 12 nm पर बेस्ड है, और माली G52 का GPU दिया गया है। स्मार्टफोन 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट के साथ UFS का स्टोर टाइप है, एंड्रॉइड 13 के साथ एक्सोएस 13 का वर्जन दिया। अब G88 एक केबल प्रोसेसर है, बट अब हमें आजकल मार्केट काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये चीज मुझे तश्वीश लग रही है, क्योंकि इन्फिनिक्स वाले अब अपनी प्राइस को शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यही पर टेक्नो स्पार्क 20 में दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, 12 nm पर बेस्ड माली G52 का GPU दिया गया है, 8/256 GB वाला वेरिएंट, AMC का स्टोर टाइप है, और एंड्रॉइड 13 के साथ है, उस 13 का वर्जन दिया है। अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है, मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स इन्फिनिक्स हार्ट 40 को चूज करूंगा, क्योंकि एक तो G88 ज्यादा बेहतर है और ज्यादा ऑप्टिमाइज है, कंपेटेबल है कैमरा वाइज आजकल ज्यादा स्मार्टफोन के साथ, और ऊपर से ये स्मार्टफोन UFS के स्टोर टाइप के साथ आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन दो चीजों की वजह से इन्फिनिक्स हार्ट 40 ज्यादा बेहतर है। बाकी टेक्नो स्पार्क 20 जो है वो ज्यादा स्टोरेज के साथ है, और G85 भी एक केबल प्रोसेसर है। आजकल मार्केट बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो चुका है, हमें कम प्राइस में ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको टेक्नो स्पार्क 20 या फिर इन्फिनिक्स हार्ट 40 की तरफ जाना चाहिए। दोनों स्मार्ट की रियर साइड पर सिमिलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया। इन्फिनिक्स हार्ट 40 में मेन कैमरा 50 MP का दिया गया, F1.8 अपर्चर के साथ 2 MP का मैक्रो सेंसर दिया गया, और 1 KBGA सेंसर दिया गया, जबकि टेक्नो स्पार्क 20 में मेन कैमरा 50 MP का दिया गया, F1.6 अपर्चर के साथ, और 1 KBGA सेंसर दिया गया है। और फ्रंट पर दोनों स्मार्टफोन में सेंटर 5 वोल्ट कैमरा में 32 MP का सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है F2.2 अपर्चर के साथ। दोनों स्मार्टफोन रियर कैमरा से 2K 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि फ्रंट पर दोनों स्मार्टफोन फुल HD प्लस 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब कैमरा के हवाले से ऑफ कोर्स इन्फिनिक्स हार्ट 40 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रोसेसर भी बेहतर है, और ये जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है, क्योंकि 30 जैसे स्पेक्स है, लेकिन उसके बावजूद उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा चुका है, और 4,000 रुपए का डिफरेंस भी है। बाकी वीडियो रेजोल्यूशन सिमिलर ही है,
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन्फिनिक्स हार्ट 40 के कैमराज ज्यादा बेहतर है। बैटरी चार्जिंग की बात हो तो इन्फिनिक्स हार्ट 40 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, टाइम्स वायर के फास्ट चार्ज, टाइप सी पोर्ट, 3.5 माइक्रो जैक और डुअल सिलेंडर स्पीकर के साथ आता है। जबकि टेक्नो स्पार्क 20 में भी 5000mAh की बैटरी है, बट ये स्मार्टफोन सिर्फ 18W की फास्ट चार्ज के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट, 3.5 माइक्रो जैक और ये स्मार्टफोन डुअल सिलेंडर स्पीकर के साथ आता है। यहाँ पर जो बैटरी है या जो स्पीकर है वो एक जैसे ही है, बट जो चार्जिंग है उसमें फर्क है। इन्फिनिक्स हार्ट 40 की जो चार्जिंग है वो ज्यादा तेज है, 30W की फास्ट चार्ज है और आई थिंक 18W काफी कम है। टेक्नो को चाहिए था कि 30W की फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी। देखो कंक्लूजन तो ये है कि दोनों स्मार्ट में 4000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन ये जो 4000 रुपये का डिफरेंस है वो डेफिनेटली 840 वर्थ भी करता है, काफ़ी चीज़ों में ज़्यादा बेहतर है। चूज़ वाइजली, अल्लाह हाफिज़।